सभी अतिथिगण, एक बार फिर सबको नमन, वंदन व अभिनंदन. ग्रीटिंग्स एंड वॉर्म वेलकम टू एवरीवन. Requesting the dignitaries to be seated. मैं सभी अतिथिगण से अनुरोध करूंगी कृपया विराजमान हो, प्लीज बी सीटेड. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. वंस अगेन एज वी एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट आवर ऑथर बिफोर वी टेक द डेलिब्रेशन फॉरवर्ड. देखिए, जब कोई भी लेखक और जब भी कोई अकादमिक जगत से व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रेरणा होती है, बहुत सारी ऊर्जा होती है जो उसको उस पथ पर आगे बढ़ाता है. एंड एकेडमिक वर्क इज इंडीड अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म ऑफ वर्क वेयर आइडियाज, थीसिस, एंटी थीसिस गेट टुगेदर टू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड द वंडरफुल आउटकम इन द फॉर्म ऑफ अ बुक. I would now like to invite Dr. Chainika Unnial ji to join us here for the welcome address and also introduce the book amongst all of us. Chainika ji, aapka anurodh hai ki samay swagat prastav ke tu aapko shabd hamare beech rakhe aur sabse mahatvapurn ye bataye ki Soviet Sangh kranti se viktan tak ki jo aapki mahatvapurn peshkash hai pure vishv ke naam, iske pramukh bindu kya hai. Sathiyon, ek baar phir taaliyon se sadhuvaad badhaiyan dete hain Dr. Chainika ji. मंच पर उपस्थित परमादरणीय पवन खेड़ा जी, माननीय गांधी जी, माननीय शर्मा जी, साधना जी अभी रस्ते में है, जब उनके ट्रैफिक में नहीं फंसी है, उनको 5-6 मिनट में पहुंचूंगी. सबसे पहले तो मैं अपने अतिथियों का स्वागत करती हूँ, क्योंकि जब मैंने पवन सर से दूसरी बार रिक्वेस्ट किया है ये किसी कार्यक्रम में आने के लिए, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने पिछली बार भी बिना किसी दान उपत के एक बार भी मुझे हाँ कहा और वो आए, और ये दूसरा वक्त है जब मैंने उनको आमंत्रित किया, सर दिल्ली से आए मेरे लिए यहाँ पे. इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता कि उन्होंने मेरे लिए समय निकाला. खानगी जी को मैंने हमेशा पढ़ा है और ट्विटर में तो रोज ही पढ़ते हैं, लेकिन वैसे भी इनके लेख वगैरह पढ़े हैं. एक दो बार मैंने अनहद के कार्यक्रमों में आपको सुना है, तो निश्चित रूप से मेरा आपसे व्यक्तिगत परिचय नहीं था, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक बौद्धिक लगाव आपके साथ हुआ आपके विचारों से. तो इसीलिए मैं चाहती थी कि इस विषय पे मैं आपको अपने किताब के विमोचन के लिए आमंत्रित करूं, और मुझे व्यक्तिगत रूप से ना पहचानते हुए भी आपने मेरी किताब के लिए समय दिया और आप यहाँ पधारे. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. पीएम शर्मा सर तो हमारे हर कार्यक्रम में आते रहे हैं, आरजीएसपी के परिवार की तरह हैं, दिल्ली भी हमारे कई कार्यक्रमों में आए हैं, और सर यहाँ पे पहुंच आए हैं तो मुझे लगा कि नहीं, वो सर को हम नीचे क्यों बिठाएं, सर को हमें मंच पर बिठाना चाहिए और उनको भी हमें सुनने का सौभाग्य मिलना चाहिए. तो अब मैं बड़ी शालीनता से देख रही थी कि सर आगे सीट नहीं देखते, पीछे जाकर के बैठने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने कहा नहीं नहीं आप रुकिए, हम आपको सुनना चाहेंगे. तो मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच प्रांगण में. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सतीश राय सर हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बना लिया था. दिल्ली में भी सर पहले पहुंचे, 2 दिन पहले से पहुंच के मुझसे ज्यादा सर तैयारी कर रहे थे. सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और सपत्नी आए हैं सर, तो मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. हमारे बीच में हाईकोर्ट के जज रविकांत सोनी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है. हमारे बीच में नीलोफर जी हैं जो डबल ए जी हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है. संदीप चौधरी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है. माली जी हमारी आरजीएससी की यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर हैं और अभी प्रिंसिपल हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे बीच में प्रेस क्लब के 2 बार अध्यक्ष रह चुके पारिक जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है. मेरे अपने होम टाउन से बहुत लोग आए हैं, अगर मैं एक एक का नाम लूंगी तो मुझे लगता है पूरी शाम यहीं पे गुजर जाएगी, लेकिन उन्होंने इतना स्नेह मेरे साथ दिखाया. मेरे अपने छापर से जो लोग आए, सोहन जी हैं, जेपी अंकल हैं, मैंने कल जेपी अंकल को फोन किया, मैंने कहा मेरे फादर बहुत बीमार हैं, वो नहीं आ सकते,
अगर आप आएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे पिताजी की कमी पूरी हो गई, तो वो भी ना पहुंचे पूरी टीम के साथ। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, माफ कीजिएगा, लेकिन आप सब आए, रविवार की शाम आपने मेरे नाम की, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है हृदय की गहराइयों से। सुमित जी है हमारे NHI के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने भी मेरी खूब मदद की इस कार्यक्रम में, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम के अंदर। दिनेश आर्य जी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, तो बहुत लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन इस कार्यक्रम में है और उन्होंने इसको अपना कार्यक्रम मान करके तारीफ किया है। और हमारे जो पूर्व प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र राठौर जी, वो तो शुरू से मेरे साथ लगे हुए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो किसी का नाम छूट जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। और किताब के बारे में अब मैं बात करना चाहूंगी थोड़ा सा, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाती हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, और मैं ये देख रही हूँ कि 4 साल से मैं इस पेपर को पढ़ा रही थी, सोवियत संघ के पेपर को, और मैंने ये देखा कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, और ऐसा नहीं है लोगों को लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे हिंदी माध्यम के बच्चे भी समानांतर रूप से पढ़ते हैं। ये बात अलग है कि उनको मटेरियल अवेलेबल ना होने के कारण बहुत बार सफर करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर जो सामग्री है, पाठ्य सामग्री, वो जो है वो आपके अंग्रेजी में ही उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो पिछले 4 सालों से मैं देख रही थी कि सोवियत सरकार की आज पढ़ाते वक्त कि मेरे जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो काफी सफर करते हैं। हालांकि एक टीचर होने के नाते मैंने हमेशा कोशिश की, क्योंकि मेरा सौभाग्य था कि मेरे को हिंदी और अंग्रेजी दोनों आती हैं, तो मुझे लगा कि मैं इस चीज, जो मेरी एबिलिटी है, जो मेरी योग्यता है, उसका फायदा क्यों मैं अपने विद्यार्थियों को दूं। तो मैंने, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हूँ, तो समय बहुत ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन मैंने धीरे 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 करके सामग्री अंग्रेजी में जुटाना और उसका उसके आधार पे अपने क्लास नोट्स तैयार करना शुरू कर दिया था और उनको बच्चों को देना शुरू कर दिया था। ये करते करते जब मेरे पास पर्याप्त मात्रा में 4 साल में सामग्री हो गई, तो मुझे लगा कि सिर्फ मेरे ही विद्यार्थी क्यों लाभान्वित हो। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो उनका क्या। तब मेरे जहन में ये ख्याल आया, और पिछले 3-4 महीने से मैं इस किताब में ही लगी हुई थी। और इस किताब को लिखते वक्त जो मैंने मुख्य बात रखी वो ये रखी कि इस किताब में मैंने उन विषयों को चुना जिन पे हिंदी में बिल्कुल नहीं लिखा गया। ऐसा नहीं है कि सोवियत संघ में हिंदी में नहीं है, आप सोवियत क्रांति और उसके कारणों की बात करेंगे आपको मिलेंगे, घटनाएं मिलेंगी, आप अगर शीत युद्ध की बात करेंगे, कोल्ड वॉर की, तो कारण, घटनाएं, एक पॉलिटिकल हिस्ट्री जिसे राजनीतिक इतिहास कहते हैं वो उपलब्ध है। लेकिन जब आप इतिहास पढ़ते हैं, आप टीवी में बहुत बार आप सुनते होंगे, सर तो रोज ही जाते हैं, लेकिन जब इतिहास पर बात आती है तो लोग जनरली बोल देते हैं, अरे आप तो मार्क्सिस्ट इतिहास की बात कर रहे हैं। और एक लोगों के अंदर एक जो आम धारणा बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि हम जो है महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में जो है सिर्फ मार्क्सिस्ट इतिहास पढ़ाते हैं। ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि इतिहासकारों में बहुत सारी ओपिनियंस होती है, अलग अलग ओपिनियंस होती है, जिनको हम स्कूल ऑफ थॉट्स के रूप में देखते हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण क्या है। तो एक दृष्टिकोण है मार्क्सिस्ट इतिहास, वो एकमात्र इतिहास नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो अलग तरीके से इतिहास को पेश करते हैं। तो इतिहास सिर्फ ये नहीं है कि आपने तथ्य परोस दिए, उस तथ्य को किस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया वो इतिहास है। और जब डिस्क्राइब करने की बात आती है तो हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना पॉइंट ऑफ थॉट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो मैंने कोशिश की कि जो हिस्टोग्राफी, इसको हम इतिहास लेखन कहते हैं, उसको इस पुस्तक में समाहित करने की कोशिश करूं। और मैंने चाहे रूस की क्रांति हो, शीत युद्ध हो, इनके ऊपर इतिहास लेखन, जो अलग अलग इतिहासकारों की राय क्या है, इतिहासकारों के बीच में विवाद क्या है, उनके बीच में बहस क्या है, उसको समाहित करने की कोशिश की है, ताकि मेरे विद्यार्थी ही नहीं बल्कि अगर कोई इतिहास में रुचि रखने वाला व्यक्ति जिस इतिहास को पढ़े, तो उसको भी एक अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही क्रांति को आप कैसे देख सकते हैं वो पता लग सके। इसके अलावा मैंने इसमें राष्ट्रीयता का इशू, जो आज हमारे यहाँ भी बहुत राष्ट्रवाद की बात होती है, राष्ट्रीयता की बात होती है, और
इसमें भी है, रूस के अंदर आज भी नेशनलिटी का इशू है जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। तो मैंने एक पूरा चैप्टर जो क्या राष्ट्रीयता का प्रश्न क्या था और रूस के अंदर उसको किस तरीके से देखा गया, कैसे सरकारों ने डील किया, लोगों ने किस तरह से रिएक्शन दिया उसको भी, और इतिहासकार उसको कैसे देखते हैं उसको भी समाहित करने की कोशिश की। इस विघटन के बारे में बात की, कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बात की कि कैसे स्पोर्ट्स को आप पॉलिटिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि कोई भी मेडल आता है तो ऐसा लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति जीत के लाया है, वो खिलाड़ी नहीं जीत के लाया है। मैं नाम इसलिए ले रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे लगता है कि एडमिट मंच है, लेकिन आप समझ गए हैं, मुझे मालूम है कि मैं किसके बारे में जिक्र कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, रशिया में भी हुआ था किसी जमाने में। तो स्पोर्ट्स को कैसे आप, सिनेमा को कैसे आप राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आती है कि स्टालिन जो है वो हर खुद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी उस समय के सिनेमाकारों की कि स्टालिन को मूवी देखना बहुत पसंद था और वो सिनेमा देखता था, और बहुत सारे सिनेमाकारों ने या तो बनाना छोड़ दिया या बहुत सारे जेल गए, उनके साथ में उनको सजाएं हुई, कई लोग रूस छोड़ के चले गए, बाहर जाके उन्होंने कोशिश की, ऐसी सारी चीजें रही। तो वो सारी चीजें भी मैंने समाहित की है। और उस बुक में जो आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी, सबसे फेवरेट जो टॉपिक मेरा इस किताब के अंदर रहा वो पहले क्या स्थिति थी क्रांति के दौरान, क्रांति के जो नेता थे उन्होंने कैसे महिलाओं के साथ प्रॉमिसेस किए कि हम आपको क्या देंगे। ये हम बात कर रहे हैं 1917 की, जब पूरे विश्व में कहीं भी महिलाओं को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। तो जब मैं रशिया में देखती हूँ कि जब सरकार बनती है तो किस तरीके से लेनिन के टाइम में बहुत सारे रिवोल्यूशनरी चीज हुई, और मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगी थी कि लेनिन ने ये बात समझी कि महिलाओं के पीछे रहने का कारण क्या है। उसने ये कहा कि जो घर का काम है, खाना बनाना है या घर के अन्य काम है या बच्चे पालना है, वो महिलाओं की प्राथमिक दायित्व उनके ऊपर ला दिया गया है, और महिलाएं इसी दायित्व के साथ जीवन भर उलझ कर रहती हैं और वो घर से बाहर निकलकर अपनी पहचान नहीं बना पाती। और उसने उस जमाने में कहा ये अनपेड लेबर है कि इतना सारा काम करने के लिए यदि आप किसी को घर में नौकर रखेंगे तो आपको मालूम है जेब बहुत लंबी चौड़ी गीली हो जाएगी। और उसके बाद भी जब कोई हाउस वाइफ होती है तो लोग कहते हैं मेरी पत्नी कुछ नहीं करती, जबकि सबसे पहले उठती है और सबसे आखिर में सोती है, उसके बावजूद ये कहा जाता है कि कुछ नहीं करती। पर और वो जितनी आत्मा से मन से प्यार से करती है उतना तो नौकर को आप 50,000 भी देंगे तो भी नहीं करेगा। तो उस चीज को उस जमाने में समझा, और उन्होंने क्रशेस खोले, मतलब बच्चों को जहाँ पाला जा सकता है, सामूहिक खाना बनाने की जगह खोली जहाँ पे लोग जाके खाना खा सके, और इस तरह धोबी जो कपड़े धोने की जो जगह है वो खोली, और वहां पे उसने एम्प्लॉयमेंट किसको दिया, महिलाओं को ही दिया। तो वो काम जो महिलाएं पहले बिना पैसे लिए कर रही थी अब उनको उसके लिए पैसा मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, स्टालिन के समय में बैकफुट पे भी गए, बहुत सारी चीजें रिवर्स भी हुई। तो जब पढ़ते हैं तो अलग अलग हिस्टोरियन कैसे देखते हैं, जो बाहर से महिलाएं आई उन्होंने उसको बहुत बढ़िया माना कि यहाँ तो बिल्कुल क्रांति हो गई, लेकिन बहुत बार जब हम देखते हैं मेरा मतलब है कि महिलाएं जब आज की महिलाएं उसको देखती हैं तो हमें पूरा नहीं लगता, हमें लगता है कि आपने डबल ड्यूटी दे दी घर की और बाहर की। तो और उसमें ये लगता है कि बहुत कुछ मिला, ऐसा नहीं है नहीं मिला, लेकिन वो आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा हुआ की बात है। तो उस समय के हिसाब से लेकिन वो बहुत रेवोल्यूशनरी था, और मेरा फेवरेट चैप्टर ये रहा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिनको भी इतिहास में रुचि है, सोवियत संघ जो है एक बहुत क्रांतिकारी जगह रही लोगों के जमाने में, लोगों के इंस्पिरेशन रही, नेहरू जी बहुत प्रभावित थे, भगत सिंह बहुत प्रभावित थे, और आखिरी में तो भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ते पढ़ते फांसी पे गए थे। तो मुझे लगता है कि आप में से जिसको भी इतिहास में थोड़ी बहुत रुचि है वो इस किताब को पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज मुझे यही है कि मेरे जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और जो इस पेपर को पढ़ेंगे उनके लिए कम से कम हिंदी में एक पुस्तक होगी। मैं प्रयास करूंगी कि अगले साल जो मैं इस साल नहीं इसमें डाल पाई उसको डाल सकूं, और मैं ये भी प्रयास करूंगी कि जो कमियां रह गई हूं बनाते वक्त जहां से भी सुझाव आएंगे उन सुझावों को भी इनकॉर्पोरेट करूं। और सबसे बड़ी सफलता तो मेरी यही होगी कि अगर ये इस पुस्तक से मेरे विद्यार्थी इससे लाभान्वित होते हैं। तो एक बार फिर से सबका आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
धन्यवाद चनिका जी, थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग टू अस द ब्रीफ आउटलाइन ऑफ योर बुक। लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी उपस्थित साथियों के बीच हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय प्रोफेसर साधना शर्मा प्राचार्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चनिका जी की सबसे पहले रिक्वेस्ट में मैडम को पुष्प भेंट द्वारा इस समय आप स्वागत करें। हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, जहां पर गेट से लेकर कॉलेज की नई बिल्डिंग तक, जी हां, आपने उस अपने निरंतर अथक प्रयासों से कॉलेज की सफलता की एक नई क्रांति रची है। मैम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी उपस्थिति आज हम सब के लिए एक आशीर्वाद है। चनिका जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए हम आपके कहने पर दिल्ली से आए हैं, तो अब क्योंकि हम राजस्थान में हैं तो राम राम सा सबको आप इस समय राजस्थानी पगड़ी के द्वारा एक बार फिर सम्मान करें।